Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing good. सब लोगों ने सारे lectures को अच्छे से देख लिया है. तो आज हम लोग previous year paper 2018 को discuss करने वाले हैं. तो चलिए start करते हैं. So सबसे पहला question आपको screen पे दिख रहा है. Questions को solve करने के लिए आपको 45 seconds का time दिया जाएगा. Okay? So पहले question को solve कीजिए. आपके पास 45 seconds का time है. ओके सो स्टॉप गाइस. पहला क्वेश्चन काफी आसान है. आपका केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज़ीनॉन इन HCF2S. आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जनरल सिंपल सा फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेंट्रल एटम के पास कितने एटम्स हैं. तो ज़ीनॉन की अगर बात करते हो तो ज़ीनॉन आपका एक नोबल गैस है. नोबल गैस के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. प्लस आपके पास यहाँ पे साइड एटम्स कितने हैं, 2. फ्लोरीन 2 है तो आपने प्लस 2 किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, आपके पास आया 5. एंड 5 के ऊपर कितने हाइब क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d. ठीक है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टॉप गाइस, टाइम्स अप. क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विद द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज. आपको टोटल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं. अब देखो, स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको कायरल सेंटर बोल लो या फिर कायरल कार्बन बोल लो, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप टोटल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हो. अब देखो, स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर कायरल कार्बन निकालना है तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे OH जो आपको ग्रुप दे रखा था यहाँ पे, उस कार्बन को आपने क्या माना, कायरल सेंटर माना, क्योंकि उससे बाउंड जितने भी चारों एटम्स थे वो कैसे थे, वो डिफरेंट थे. ठीक है, सो अब आपके पास इस स्ट्रक्चर के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये सिस फॉर्म करेगा या फिर ये ट्रांसफॉर्म करेगा. ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसके पास कितने आपके पास हो गए, दो तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए और दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए. तो इस तरीके से चार स्टीरियो आइसोमर्स आपको देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टॉप गाइस,
क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट फॉर द कन्वर्जन ऑफ सीआर टू ओ सेवन 2-2 Cr plus 3 at 25 degree Celsius is an aqueous solution of pH 3 is 1.33 volt. आपको E naught value दे रखी है, standard reduction potential दे रखा है, conversion में Cr to O7 convert हो रहा है Cr plus 3 के अंदर, ठीक है, pH आपको 3 दे रखी है. Concentrations of Cr to O7 minus and Cr plus 3 are, concentration given है 1 × 10⁻⁴ molar and 1 × 10⁻³ molar respectively, ठीक है. Then potential of this half cell reaction is, Faraday constant आपको दे रखा है, gas constant आपको दे रखा है. Question दिखने में काफी typical है, लेकिन solve करोगे तो बहुत आसान है. देखो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको E naught cell given है 1.33 volt, Cr plus 3 and Cr2O7 की आपके पास concentration given है, pH given है. तो क्या करोगे, सबसे पहले आप H plus ions की concentration निकाल लो, क्योंकि आप जानते हो pH क्या होता है, pH एक measurement ही तो होता है H plus ions को निकालने का. तो question आसान है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ठीक है. तो आपने pH से hydrogen ions की concentration निकाल ली, ओके. अब जब आप इक्वेशन लिखोगे तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 6. क्यों, क्योंकि आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा. और एक बात और आपको याद रखनी है, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के अंदर तो ये थोड़ा टिपिकल टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो इसको आप बाद में सॉल्व करना, ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, आपके पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम को भी चेक कर लिया गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी यूज में ले लिया गया है, ठीक है. तो आपने यहां से n की वैल्यू कैसे निकाली, आपने pH के फॉर्मूले को यूज करके हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन निकाली, फिर हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन आई उससे आपने आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड देखे, ठीक है. अब सिंपल आपने नर्स्ट इक्वेशन लगाई जिसके अंदर आपने n की वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया आपने जब इक्वेशन को, तो आपके पास ई सेल आ गया 0-0.94 वोल्ट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस. क्वेश्चन है आपका फिजिकल केमिस्ट्री से, 1 mole ऑफ हीलियम गैस इज इन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 liters टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 liters. चेंज इन एंट्रोपी आपको बताना है, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स के अंदर. सो क्वेश्चन काफी आसान है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है. एंट्रोपी की अगर आप बात करते हो तो दैट इज इक्वल्स टू -nR log फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है. इसको सॉल्व करोगे, वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आएगा -586 जूल केल्विन इनवर्स. तो देख रहे हो आप क्वेश्चंस का लेवल कितना इजी है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूलास पता होने चाहिए. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्टॉप गाइस, टाइम्स अप. क्वेश्चन है आपका द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए वैल्यू फॉर 2 reactions कैरिड आउट एट 25 डिग्री सेल्सियस डिफोर्स बाय 5 kJ/mol. ओके, इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर
A1 and A2 are for these two reactions are of same magnitude. The ratio of rate constant K1 is to K2 is. आपको रेट कांस्टेंट का रेशियो बताना है जब आपको ईए वैल्यूज के बीच में आप बोल सकते हो डिफरेंस गिवन है. सो बेसिकली क्या करोगी, ई1 आपने माना ई है, ठीक है. अब ई2 आपने मान लिया ई माइनस 5000 जूल पर मोल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 किलो जूल पर मोल गिवन है डिफरेंस, ठीक है. तो आपने एक को ई माना, दूसरे को आपने ई माइनस 5000 जूल पर मोल मान लिया, ठीक है. ए1 और ए2 को आपने ए माना. अब आपको पता है अरेनियस इक्वेशन क्या बोलती है, k इज इक्वल्स टू ए डॉट ई इन माइन की पार माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है. दोनों को आपने कंपेयर किया, ए1 और ए2 तो आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स है, दैट कैन बी इक्वल्स टू ए. तो ये ए1 और ए2 ए के बराबर हो गया, तो आपने इसे कट कर दिया. अब ई ए की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी ई1 और ई2 मानी आपने, तो वैल्यू को पुट किया, तो एक आया ई और दूसरा आया ई माइनस 5000, और आरटी और आरटी तो आपका कॉमन है ही. तो आपने K1 बाय K2 को जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्व किया. अब 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको, इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आपने E का जो वैल्यू आया, आप बोल सकते हो K1 is to K2 का जो रेशियो आया, दैट विल बी इक्वल टू E to the power 5000 डिवाइडेड बाय 8.314 into 298. जैसे ही आपने इसे सॉल्व किया, आंसर आ जाता है 7.52. ओके, क्वेश्चन काफी आसान है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस. क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच अपॉन मोनोनाइट्रेशन यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4 डज नॉट गिव द मेटा आइसोमर एज द मेजर प्रोडक्ट. इन चारों के अंदर से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पे आपको मेटा आइसोमर्स एज अ मेजर प्रोडक्ट नहीं देता. तो देखो, ये जो टॉपिक है ये है आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो NHCOCH3 जो होता है ये एक माइल्ड रिंग एक्टिवेटर होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसीलिए जैसे ही इसके साथ आप मोनोनाइट्रेशन कराते हो तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है, ठीक है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस. फॉर द कंप्लीट कंबेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड इन ऑक्सीजन इंडिविजुअली द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज वैल्यूज आर. आपको कंप्लीट कंबेशन कराना है ग्रेफाइट एंड डायमंड का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो आपके पास डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है -393.5 किलो जूल पर मोल एंड 395.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है. अब डेल्टा एच आपसे पूछा गया है कि ग्रेफाइट डायमंड के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, कि डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी. अब देखो, डेल्टा एच ग्रेफाइट माइनस डेल्टा एच डायमंड किया आपने फॉर कंबशन वैल्यूज के लिए, ठीक है. जैसे ही आप सॉल्व करते हो तो आंसर आ जाता है +1.9 किलो जूल पर मोल. नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाइम अप गाइस. क्वेश्चन है कि दो इक्विवेलेंट तो पी कंपाउंड के रिएक्ट कर रहे हैं और एक इक्विवेलेंट आपका क्यू रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो आपको मेजर आर प्रोडक्ट बताना है यहाँ पे. ठीक है, तो अब जैसे ही आप पी और क्यू को रिएक्ट कराते हो तो आपके पास कितने डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो काउंट कर लो. सिंपली आपको ऐड कराना है दोनों को. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11. तो 11 डबल बॉन्ड्स का आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस. सो मेजर प्रोडक्ट एम बताना है आपको रिएक्शन के अंदर. सो बेसिकली अगर बात की जाए तो रिएजेंट्स चेक करो क्या गिवन है. O3 एंड ZnACOH. तो ओजोनोलाइसिस से आपके पास क्वेश्चन है. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओजोनोलाइसिस हर बार एग्जाम के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछी जाती है. ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि ओ जो होता है, ओ एटम जो होता है, ऑक्सीजन एटम जो होता है, वो आपका बाउंड कर जाता है डबल बॉन्ड के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे यही दिखाया गया है. O3 आपका जो है वो डबल बॉन्ड के साथ बाउंड कर रहा है. अब O3 तो बाउंड कर गया, अब ZnACOH क्या करेगा. O3 जो मॉलिक्यूल्स जो बाइंड किए हैं उसके अंदर से दो ऑक्सीजन आटम्स को बाहर निकाल देगा और वहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड क्रिएट हो गए एज वेल एज यहाँ पे CHO ग्रुप आपका एड हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टॉप गाइस. क्वेश्चन है अमंग BH, CH, NH एंड SiH बॉन्ड्स इन BH3, CH4, NH3 एंड SiH4 रिस्पेक्टिवली द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड विच इज शोन इन इनकरेक्टली इज. आपको बॉन्ड की पोलैरिटी चेक करनी है कि कहाँ पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और कहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे क्या काम करता है कि जो भी स्पीशीज या फिर जो भी आटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. तो इस बेसिस पे आप डायरेक्टली पता कर सकते हो. तो हमने जैसे ही पता किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में हम देखते हैं तो बी के पास पॉजिटिव आएगा, एच के पास नेगेटिव. ठीक है, इसी तरीके से CH के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज क्या है, कार्बन, यहां नाइट्रोजन एंड यहां हाइड्रोजन. तो इस बेसिस पे आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन.
टाइम अप गाइस, क्वेश्चन है फॉर अ 4s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज, आपको 4s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करना है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ml की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, ओके। सो करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर गाइस, आई होप आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।